जम्मू कश्मीर की राजनीति के पिटारे से समय समय पर विवादित बयान आते रहते हैं। एक नया विवादित बयान जिसने विवादों के लिए एक नया रास्ता जो है उसकी शुरुआत कर दी है। दौर शुरू हो गया है जहां पर मैं वो मुफ्ती सीधे तौर पर कहती हैं कि बारूद के साथ खेलना होगा अगर छेड़छाड़ की 35A के साथ, और सीधे तौर पर ये भी कहा कि जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करेंगे वो हाथ ही नहीं पूरा जिस्म जला दिया जाएगा। श्याम लाल जी हमारे साथ हैं, और सर 35A के संरक्षण के लिए समय समय पर देश विरोधी बयान एंटी इंडिया कैंपेन क्यों लॉन्च कर रही है? देखिए ये आज की बात नहीं है, 1953 के बाद जो वैली वेस पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और 1998 में ये पीडीपी जो है, ये वजूद में इसीलिए आई हुई हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान को भी डिस्टर्ब करके रखना है, और जम्मू कश्मीर का जो है इन्होंने जो आज तक सत्यानाश हुआ है वो इन्हीं लोगों की दोनों पार्टियों की वजह से, और खसूसन तौर पर ये कश्मीर सेंट्रिक जो लीडरशिप है ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और हमेशा कश्मीर को बताते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है। मैं जब सरकार में था ये दोनों पार्टियां हमारे साथ रही हैं, तो मैं उस समय भी कहता था कि यहाँ ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यहाँ कोई जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर के कुछ लोगों को होगी, ये जो है ये मिस गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस डेफिसिट है। और वो आपने जो उनकी करतूतें हैं जब उनके कार्यकाल में जो उन लोगों ने गुनाह किए हुए हैं उन पे पर्दा डालने के लिए ऐसी बात है। दिल्ली पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के नेता जो है वो कश्मीर के पीडीपी के नेताओं को इस तरह से परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीपी 35A के संरक्षण के लिए आवाज उठेगी और एकमात्र पार्टी है। किसको परेशान किया बताएं? मुझे लगता है कि उनको एक ने कहीं कल किया था कि ये सिलेक्टिव अगर ईडी कहीं रेड कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, एनआईए कर रही है, तो वो जो देश के विरोधी राष्ट्र विरोधी हरकतें करते हैं जहां मिलिटेंटों और टेररिस्ट के साथ चलते हैं तो उनके लिए सख्ती नहीं होनी चाहिए? वो बताएं किसके साथ किसी लीडर को, और अगर वो खुद इन्वॉल्व हैं, बुरान वानी मरता है तो महबूबा जी क्या कहती हैं? अब कल उमर अब्दुल्ला ने क्या बात कही है तराल में जाके कि ये जाकर मूसा का इलाका है, ये बुरहान वानी का इलाका है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे मिल गए? ये उमर अब्दुल्ला ने कहा जो हिंदुस्तान में सफाई भी दी। उसके बाद जब मुखालफत हुई तमाम मीडिया चैनल्स ने उसको उछाला तो उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दा था मैं समझाने की कोशिश करते कि बायकॉट मत कीजिए जिस तरह से पहले किया नुकसान होगा। तो ये आज की परंपरा थोड़ी है, तीन पीढ़ियों की है उनकी। शेख अब्दुल्ला कश्मीर में एक बयान देता था, जम्मू में दूसरा देता था, दिल्ली तीसरा देता था, पुंछ में कुछ कहता था, गुजरों के लिए कुछ कहता था, एसटी के लिए कुछ कहता था, दलितों का मसीहा भी बनता था। तो ये जग जाहिर है। इसी तरीके से फरूख अब्दुल्ला को देखो, अभी बयान देते हैं दूसरी तरफ यू टाउन हो जाते हैं, कुर्सी पर होते हैं तो हिंदुस्तानी होते हैं और कुर्सी से बाहर जाते हैं तो वो पाकिस्तान की बोली बोलना शुरू कर देते हैं। ये नई चीज़ थोड़े है, मुझे लगता है इस पर आपको मीडिया वालों को भी कोई ज़्यादा एक सवाल करूंगी। जहां तक हम जानते हैं जितनी राजनीति की समझ है, आपको कहते हैं कि डोगरों की आवाज़ है श्याम लाल शर्मा, लेकिन इंजीनियर रशीद ने जिस तरह से तंज कसाया, जिस तरह की जुबान का शब्दों का इस्तेमाल किया, महाराजा हरि सिंह जी को डिक्टेटर कहा, जालिम कहा, और कहा कि वो जो मार्टर्स थे 1931-13 जुलाई के वो तानाशाही के खिलाफ उन्होंने कुर्बानी दी है, क्या ये शब्द जायज़ थे उस महाराजा के लिए जिसके लिए तमाम कश्मीरी लीडर्स कहते हैं कि एक ब्रिज है 35A का जो महाराजा जी का गिफ्ट है, लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ आ रहे हैं? देखिए उनका स्टैंड नहीं है आज इन सब, मैं इस पर रिएक्शन नहीं देना चाहता था लेकिन यहाँ जनता जनार्दन के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जितने भी लीडर हैं कश्मीर के, मैं इनको नेता नहीं मानता हूँ, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, 10% से ऊपर किसी ने वोट नहीं लिए होते। तो इंजीनियर रशीद ने आप देखा पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ी, उनका क्या हाल हुआ, महबूबा मुफ्ती का क्या हाल हुआ और दूसरों का क्या हाल है? आज फरूख अब्दुल्ला भी पार्लियामेंट मेंबर बने हैं तो 9% से ऊपर वोट तो नहीं है, ओवरऑल 91 तो उसके खिलाफ हैं। तो इस किस्म के बयान वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कश्मीरी जो दल के नेता कहते डर फैला रही है। नहीं नहीं, मैं सबसे पहले तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिस किस्म की भाषा उन्होंने हमारे महाराजा का मतलब है जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी के लिए कही है। वो बड़े सेकुलर जैन के आदमी थे और डोगरा रूलर जितने भी रहे हैं उन्होंने इस किस्म की बात नहीं होने दी। तो इंजीनियर शीत तो मुझे लगता है इज़ ए मेंटली सिक पर्सन और वो किनकी बोली बोलता है? वो पाकिस्तान की बोली बोलता है।
जो उसको सलाउद्दीन कहेगा उसने वो बात कहनी है। तो इसलिए मुझे लगता है ना मीडिया को ना जम्मू के लोगों को ज़्यादा सीरियस लेना है। लेकिन मैं तमाम डोगराज को ये विनम्र बेनती करता हूँ कि इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर रियासत को अपनी जगीर नहीं समझे और डोगरे ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे और उनको अब सोच समझ के बनाल के इस पार आना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। कभी मैंने आप अभी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, एक विचारधारा है भाजपा की आप में, लेकिन आपसे सवाल करूंगी, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी के लिए जिस तरह से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो बहुत समय से मांग थी, तो उस पर उन्होंने कहा ये किस तरह का कदम है और आप ये पूरा का पूरा जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है आप डिसॉल्व कर दीजिए, क्या ये जायज़ है कि जिसके लिए तमाम डोगरा संघर्ष कर रहे हैं, स्टेट हॉलीडे मार्टर्स डे पर होता है, शेख अब्दुल्ला के लिए होता है, लेकिन उस महाराजा के लिए नहीं है जिससे आन बान शान और 35 से 370 का हवाला यही नेता। मेरी बहन, उसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? जब मैंने एक वर्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज कर दिया कि मेंटली ही इज ए सिख, तो उसकी बात क्या करनी है? हु इज ही टू डिक्टेट द टर्म टू द जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? इज नो बॉडी, ये उस हाउस का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं और हम उसको लागू भी करवाएंगे। इंजीनियर रशीद को हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, वो इररेलीवेंट है और अपने आप की रेलिवेंस बनाने के लिए इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि हमारा शीदू में वो क्या बोल रही है, पूरा शरीर ही जल जाएगा। तो खुद तो पॉलिटिकली निस्तो नबूत जमींदोज हो चुकी है। कल आपने देखा कि 20 साल उसकी पार्टी के बने कोई लीडर था उसके साथ? उसकी अपनी पार्टी थी कहीं? पीडीपी का कोई सीनियर लीडर था? तो इसलिए इन लोग हमें ज़्यादा सीरियसली नहीं उनको लेना चाहिए। साफ तौर पर शुक्रिया सर। श्याम लाल शर्मा जी थे, हालांकि विवादित बयान महाराजा हरि सिंह जी के लिए अपशब्द का उपयोग किया गया, जो भी लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किए गए वो बहुत ही निंदनीय है और डोगरा समय समय से संघर्ष कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी हो, लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक अहम कदम उठाया। उन्होंने ये कदम उठाते हुए कहा कि हाँ हम ये कदम उठाएंगे, हम महाराजा हरि सिंह जी के लिए सोचेंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती विवादों के साथ पुराना नाता और 35 एकड़ संरक्षण के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी ये बता रही हैं। लेकिन श्याम लाल शर्मा जी से जाना कि उनका क्या मत है, क्योंकि कहा जाता है कि डोगरों की आवाज़ जो है श्याम लाल शर्मा बनते हैं और अगर डोगरों के साथ कुछ भी होता है तो पहली आवाज़ श्याम लाल शर्मा की। इसी के साथ कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ।